नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे सार्क सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पूरे दुनिया के नेताओं की नजरें साउथ एशिया की तरफ है। आज ही सार्क की कमान भारत को सौंपी जाएगी, यानी अब सार्क का अगला चेयरमैन भारत होगा। हालांकि जिम्मेदारी के साथ भारत के सामने पाकिस्तान के रवैये समेत कई चुनौतियां भी हैं। औपचारिक रूप से सार्क की कमान भारत के हाथ आने के बाद भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और भारत को देखना होगा कि सार्क समिट्स को कामयाब कैसे बनाया जाए। सार्क की कमान हाथ में आने के बाद भारत के लिए पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। आपकी स्क्रीन पर आपको आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सार्क के नेताओं के साथ जो कार्यक्रम है वो नजर आ रहा होगा। ये पाकिस्तान के समय के मुताबिक है, इसमें से 15 मिनट कम कर दीजिए तो आपको भारत का समय मिल जाएगा। वैसे आपको ये बता दें कि सार्क के कई नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आकर ये बात कह चुके हैं कि जिस तरह से सार्क को कामयाब बनाने की कोशिश सब कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को साथ किसी तरह से लिया जाए, और कुछ दबे स्वर में पाकिस्तान की साफ साफ आलोचना भी कर रहे हैं। वैसे भारत ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत सार्थक द्विपक्षीय बातचीत के पक्ष में है और सार्क को लेकर भारत आगे बढ़ना चाहता है। जो चाहे वो भारत के साथ आए, जो नहीं आएगा भारत फिर भी बाकी को लेकर आगे बढ़ना चाहेगा। There was no consensus because under SAARC there was a single country which said that they are not yet ready with their internal procedures. So that's where we are. We will move to enhance our bonds with South Asian neighbors together if we can. If not, we will move with those who are ready for it. और इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम जोड़ रहे हैं काठमांडू को, कराची को और दिल्ली को। जनक दवे हमारे संवाददाता काठमांडू से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी, और नीलम देव जो कि गेटवे हाउस फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक है उसकी डायरेक्टर है वो हमारे साथ हैं, और शाहजेब जिलानी इस वक्त हमारे साथ हैं कराची से। सबसे पहले काठमांडू में इस वक्त क्या हो रहा है, रिट्रीट की ओर सब नेता बढ़ने वाले होंगे, थोड़ा सा अपडेट दें जनक दवे काठमांडू से। बिल्कुल आकाश, अभी मैं अगर काठमांडू के टाइमिंग के मुताबिक आपको बताऊं तो 9:45 हो चुकी है, और थोड़े समय पहले मैंने जो शॉट्स आपको मैं भेजे हैं वो हेलीकॉप्टर मूवमेंट यहां पर हो चुकी है वीवीआईपी की। और सबसे पहले मैं यहां पर दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन निज़ाम को मैं कहूंगा कि ये धूलीखेल जो इलाका है वो किस तरीके से क्यों इस आइडेंटिफाई और क्यों यहां पर रिट्रीट की गई, इसका एक इम्पोर्टेंस ये बताना चाहूंगा। ये खूबसूरत वादियों के बीच बसा ये गांव है धूलीखेल, जो काठमांडू से 45 किलोमीटर दूरी पर है। शायद ये एक सोच बनी होगी कि अगर खुशनुमा माहौल में रहते हैं तो कुछ सकारात्मक बातें होगी, कुछ फ्रूटफुल या मीनिंगफुल बातें होगी, और शायद इसी के चलते हिल स्टेशन पे इस तरीके से रिट्रीट रखा जाता है। और आज भी यहीं पे रिट्रीट रखा गया है, सार्क के नेता यहाँ रिट्रीट के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम आकाश मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लेकर काफ़ी नाराज़गी सार्क नेताओं में है, जिस तरीके का रवैया नाराजगी जो है ये किस तरह से सामने आ रही है, जिसके चलते आज जो बिल्कुल जिस तरीके से सार्क नेता है कल ही प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में जब बायलेटरल टॉक्स हुई, उस समय पर भी हमें जो जानकारी मिल पा रही वो नेपाल के जर्नलिस्ट के थ्रू मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला ने भी बताया था नवाज शरीफ को कि ये स्टैंड ठीक नहीं है। अगर 8 देशों का अपना समूह है, उसमें अगर एक देश वो कहेगा कि नहीं हम ये इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो कैसे ये शक्ल सूरत पूरी तरह से हो पाएगा। तो जनक दवे बिल्कुल काठमांडू से हमारे साथ रही है, इस वक्त नीलम देव भी हमारे साथ है। नीलम जी ये बताइए कि रिट्रीट तो पूरी तरह से बनाई इस तरह से जाती है कि इनफॉर्मल सेटिंग में सारे नेता साथ में बैठे,
वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक दूसरे को इग्नोर कर पाएंगे, क्योंकि वो करना बहुत मुश्किल होगा शायद? नहीं, इग्नोर तो शायद नहीं करेंगे, और कोई ऐसे जैसे मामूली सी बातचीत हो भी सकती है, लेकिन ये रिलेशनशिप और ये जो मीटिंग है आज कल के दिन की, वो इतना ज़्यादा ब्रिटल हो गया है, इतना अजीब सा हो गया कि एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि ज़रूर एक दूसरे से बात करेंगे, रिट्रीट का तो वजह ही ये है, लेकिन उसके बाद वो कुछ अनाउंस नहीं कर पाएंगे, ना हमारी साइड से ना शायद पाकिस्तान की साइड से, कि कुछ अग्रीमेंट हुआ, कुछ सब्सटेंटिव हुआ। क्योंकि जब फॉर्मल मीटिंग्स में और पब्लिक के सामने उन्होंने एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं डाली, तो वहाँ से चाहे बात हो जाए, चाहे कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि वो आके कुछ अनाउंस करें कि हमने ये अग्रीमेंट कर लिया। जी, हमारे साथ ही रहिए, मनोज जोशी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, एक तरह से क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान चीन का एजेंडा ज्यादा से ज्यादा सार्क में लाने की कोशिश कर रहा है, सार्क अपने बल पर नहीं चल पाए, और उसमें वो सेटिंग ऐसी बना दे कि फिर चीन हीरो की तरह सामने आने की कोशिश करे? देखिए, ऐसा है कि अपनी आर्थिक ताकत की वजह से चीन वैसे ही सार्क के दरवाजे खटखटा रहा है, और जितने भी सार्क के मुल्क हैं उनके साथ चीन का व्यापार जो है काफी ज्यादा है, और अभी चीन के जो वहाँ पे जो जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि चीन जो है $30 बिलियन जो है सार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगा अगले 5 सालों में, साथ साथ 10,000 स्कॉलरशिप देगा, 5,000 एक्सचेंज स्टूडेंट लेगा, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, और साथ साथ वो 5,000 जो है भाषा सिखाने वाले टीचर अपनी तरफ से भेजेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत साफ चीन ये दिखा रहा है कि उसका जो रवैया है सार्क के साथ वो काफी मतलब लॉन्ग टर्म है, और वो चाहते हैं कि सार्क में ये सार्क का जो इलाका है दक्षिण एशिया जो है यहाँ पे भी वो हावी हो जाएं। मनोज जोशी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। नीलम, ये बताएं कि साथ ही साथ इस पूरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के अंदर जिस तरह से हाफिज सईद की एंट्री हुई है वो भी महत्वपूर्ण है। वैसे आपको ये विजुअल्स इस वक्त हम दिखा दें जो नेपाल से आ रहे हैं। दरअसल नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए नेताओं को धुलीखेल ले जाया जा रहा है, जहां रिट्रीट बनाई गई है, जहां पर कि हर तरह के शोर शराबे से दूर ये नेता आपस में बात कर सकें। और यही सवाल है कि वहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ हाथ मिलाएंगे, बातचीत करेंगे और सार्क के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नीलम, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हाफिज सईद की बात हुई है, 4 और 5 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान लाहौर पे वो रैली को संबोधित करेगा, भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान भी उसने एक तरह से किया है और वहां पर उनकी आलोचना की है, इस सबको शह दे रहा है, दे रही है नवाज शरीफ सरकार या फिर पाकिस्तान की फौज? शायद दोनों ही। पिछले 5-6 साल से हाफिज सईद तो खुलेआम फिर रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी उनको डेजिग्नेट किया था टेररिस्ट और $10 मिलियन का रिवॉर्ड उनके सर पे लगाया था, और अमेरिका से भी अब आप देखते होंगे कि एक शब्द नहीं आता है हाफिज सईद के बारे में। तो सभी मिलकर नवाज शरीफ जी की पोजीशन थोड़ी वीकन हो चुकी है, क्योंकि 2-2.5 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सब कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट भी पाकिस्तान की फ़ौज की शह में ही चल सकते हैं, नहीं तो इतना लंबा प्रोटेस्ट कभी किसी देश में नहीं हो सकता है कि वो अपने आप ही अपने ही मोमेंटम पे चल रहे हों। तो उनकी पोजीशन, नवाज शरीफ की पोजीशन तो ज़रूर वीकन हो चुकी है, और इसी करके वो शायद कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन रुकावट ज़रूर डाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल कभी पहले हुआ ही नहीं है कि जब अग्रीमेंट साइन होनी है तो लास्ट मिनट में एक सरकार आके कहे कि हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं है। सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हम नहीं साइन करेंगे या ये अमेंडमेंट करिए या जो भी हो, लेकिन ये तो कभी पहले सुना ही नहीं था कि हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुए।
जनक दवे, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहते हैं, वैसे ये विजुअल्स भी हम देख रहे हैं लगातार जो नेपाल से आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ कड़ी सुरक्षा दिखाई दे रही है, बहुत सारे मीडिया कर्मी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाकायदा नेताओं को धूलिखेल ले जाने की तैयारी भी हो रही है। कितने नेता वहां निकल चुके हैं पहले? देखिए, यहाँ अभी दो हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी जो वीवीआईपी मूवमेंट होनी थी वो निकल चुके हैं। हालांकि ये कह पाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ आकाश कि कौन से हेलीकॉप्टर में कौन से नेता पहुँचे, लेकिन ये जरूर है पहला उनका जो प्रोटोकॉल का जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल का जो हेलीकॉप्टर था सिक्योरिटी का, वो पहले वहाँ लैंड कर चुका है और उसके बाद दो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर यहाँ से मूव हुए हैं। तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आठ नेताओं में से दो नेता अब तक आ चुके हैं और बाकी जो छः नेता हैं वो कभी भी इस वक्त पहुंच सकते हैं, क्योंकि काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से धूलिखेल का रास्ता अगर एयरपोर्ट से देखा जाए, धूलिखेल का जो ये जगह है जहां पर रिट्रीट रखी गई है द्वारिका रिसोर्ट में, तो वो महज हेलीकॉप्टर के जरिए अगर देखें तो 5 मिनट से 7 मिनट का रास्ता है। ऐसे में वो किसी भी वक्त यहाँ पर तमाम नेता पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से देखें तो अब तकरीबन 10 बजने को है और 10 बजे वहाँ सबको पहुँचना है, रिट्रीट शुरू होनी है, 10:15 बजे रिट्रीट शुरू हो जाएगी और वो लंच सेशन तक वहाँ पर चलती रहेगी। आकाश जी, जनक हमारे साथ ही रहिए काठमांडू से और साथ ही साथ दिल्ली से दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की भी कि पाकिस्तान में सारी स्थिति को किस तरह देखा जा रहा है। आखिर पाकिस्तान में भी आम आदमी इस बात से खुश तो नहीं हो सकता है कि सार्क एक साथ जब जुड़ रहा हो उसमें पाकिस्तान पीछे रह जाए। जल्दी से लौट रहे। आज 18वें सार्क शिखर सम्मेलन का समापन होना है और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सारे सार्क नेता धूलिखेल की रिट्रीट में इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए उस रिट्रीट में उनको ले जाया जा रहा है। इस वक्त कराची से वरिष्ठ पत्रकार शाज़िब जिलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाज़िब, क्या पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा है कि कितनी नाराजगी है कई सार्क नेताओं के बीच में कि पाकिस्तान अड़ियल रवैया अपना रहा है? अलग अलग ऐसे तीन फॉर्मूले हैं जिनको आगे ले जा सकता है अगर पाकिस्तान उस पर सहायता दे, अपनी सहमति दे, खास तौर पे कनेक्टिविटी के बारे में। देखिए, पाकिस्तान में ये समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ काफी अंडर प्रेशर है। आपको अगर याद हो, जब मोदी साहब ने सरकार में आए, उनकी जो सेरेमनी थी, नवाज शरीफ उसमें गए और मुसलसल नवाज शरीफ बयान देते रहे कि वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, हालात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनको वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला और पाकिस्तान के अंदर आर्मी की तरफ से, आर्मी के जो करीब लोग हैं उनकी तरफ से उन पर काफी आलोचना हुई कि आप तो भारत के आगे पीछे जा रहे हैं लेकिन वहां से आपको मुसलसल कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को अब मजबूरन ये रवैया अपनाना पड़ा है कि आपने कल देखा कि दोनों एक छत के नीचे मौजूद थे लेकिन कोई ना सलाम दवा हुई ना कोई बात हुई, बल्कि एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। और ये नतीजा है पिछले कुछ महीनों के दौरान जो भी उनको रिस्पॉन्स मिला है। एक बात बताइए, ये लाइन लेने पर एक बात बताइए कि अगर दूसरी साइड पर जा रहे नवाज शरीफ तो कितनी दूर जाएंगे? जाकर हाफिज सईद को बाकायदा मदद कर देंगे? हाफिज सईद को सरकार ने इजाजत दे दी कि मीनारे पाकिस्तान पर जाकर वो कार्यक्रम करें, वो आदमी जिसको 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, भारत के अंदर जो ये कहा जाता है कि उसके खून से हाथ सने हुए हैं, भारतीयों के खून से और सब निर्दोषों के खून से, अमेरिकियों और इसराइलियों के खून से, उस आदमी को शह दे रहा है पाकिस्तान। सार्क इस तरह से देखेगा तो ये गलत नहीं होगा? देखें, जब भारत की तरफ से रवैया सख्त होगा तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऐसे लीवर्स हैं जिससे वो भारत के लिए बेचैनी पैदा कर सकता है, वो सख्त रवैया अपना सकता है। तो ये क्या न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने की कोशिश है?
देखें हाफिज सईद और इन जैसे लोग भारत के पास इसीलिए हैं कि जब जब पोजीशन हार्डन करनी हो, भारत के साथ सख्त रवैया करना हो, भारत को अनॉय करना हो, तो ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि जब नरम बात की रिप्लाई नहीं मिली दिल्ली से, तो फिर भारत को, पाकिस्तान को भी अपना लहजा सख्त करना पड़ेगा। और हाफिज सईद की जो रैली होने वाली है मीनारे पाकिस्तान पे, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। शाहजेब, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जहां भारत की जनता और पाकिस्तान की अवाम एक ही तरह से देख रहे होंगे, खासतौर पर सार्क समिट को। आखिरकार ये सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि सार्क समिट सफल हो, आखिरकार इसमें पाकिस्तान को भी जुड़ना है, पाकिस्तान को भी फायदा होना है, भारत के लोगों का फायदा होना है, पूरा सार्क और पूरी दुनिया साउथ एशिया की तरफ अभी देख रही है। उस पर बात करेंगे, दिल्ली से कुछ खास मेहमान है, आपसे और भी समझेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जनक दवे, कराची से वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी हमारे साथ हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी हमारे साथ हैं, और पूर्व राजनयिक और फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस की डायरेक्टर नीलम देव भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपडेट दीजिए, कितने घंटे का समय है धुरी खेल में, कितने वक्त का खेल है अगर आपसे ऐसे पूछूं जनक दवे, जिसमें तय हो जाएगा कि ये सार्क समिट कामयाब हो रहा है या फिर नाकाम। देखिए, पाकिस्तान के अटवल रवैये के चलते निश्चित तौर पर एक उम्मीद जो बंधी थी सार्क समिट से कि 18वां सार्क सम्मेलन एक उम्मीद जो बनी थी कि एक अहम पड़ाव पर होगा और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगर G20 के मुकाबले में व्यापारिक रिश्ते भी देखें तो अमेरिका और चाइना के बाद इकोनॉमी और GDP के हिसाब से सार्क सबसे तीसरी ताकत के तौर पे उभर सकता है, ये पोटेंशियल जानते हैं सार्क देश। और इसी में अगर इस तरीके की ट्रीटी होती है तो और उसको ताकत मिलता और उसको बल मिलता, पर वो नहीं हो पाया, जिसके चलते निश्चित तौर पर सफलता या असफलता को लेकर इंडिविजुअल होगी या सार्क देशों की होगी, इस पर सवाल अभी भी बरकरार है। जहां तक घंटों का सवाल है तो रिट्रीट यहां 3 से 3.5 घंटे तक चलेगी। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मोटे तौर पर तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और 10:15 बज चुके हैं। यहां के मुताबिक अगर टाइमिंग में आपको बताऊं तो अभी 10:20 के आसपास का वक्त हो चुका है और तमाम नेता रिट्रीट के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं रिट्रीट शुरू होगी, उसके बाद इनॉग्रल कार्यक्रम वहां पर रिट्रीट को लेकर थोड़ा कुछ होगा और फिर अनौपचारिक बात नेताओं के बीच में होगी। और प्रधानमंत्री, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं सुशील कुमार कोइराला, उन्होंने एक भोज का कार्यक्रम रखा है, वहां पर तमाम नेताओं के बीच में बातचीत होगी। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं आकाश यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाहे पास पास में रहे हों 2 दिन तक या एक ही मंच पर शेयर की हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा नहीं, ना ही बोले। कल रात को भी जब बैंक्वेट था, डिनर रखा गया था, तब भी वो एक दूसरे के सामने नहीं आए। ऐसे में सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या ये रिट्रीट के दौरान क्या दोनों नेता मिलेंगे और क्या इस बारे में कुछ बातचीत होगी या नहीं। आकाश, काठमांडू से जनक दवे हमारे साथ रहिए, पाकिस्तान से शाहजेब जिलानी भी हमारे साथ है, लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूं मनोज जोशी के पास। मनोज, ये बताएं कि आपको ये लगता है कि सार्क के अंदर जो अभी शाहजेब को भी आप ध्यान से सुन रहे थे, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव आपके सामने था, क्या आपको लग रहा है कि ये तय कर लिया है नवाज शरीफ ने कि हमें भारत को नुकसान पहुंचाना है, चाहे साथ में सार्क को नुकसान पहुंचे और साथ ही साथ चीन के एजेंडे को दुनिया में भी सार्क में भी आगे बढ़ाना है? देखिए, ये तो पाकिस्तान का रवैया पहले से रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2004 में ये तय कर लिया गया था कि सार्क जो है एक मुक्त व्यापार इलाका होगा, 2006 में समझौता भी हो गया था। पाकिस्तान कहता रहा कि हम भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देंगे, पर आज तक उन्होंने नहीं दिया है। तो ये जो अभी जो अड़ंगे लगा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत को चाहिए कि वो बायलैटरली जो और मुल्क हैं, और हमारे पास एक और संस्था है बिम्स्टेक, भारत इंडिया बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका के साथ जो है एक फ्री ट्रेड एरिया जो है बनाएं, उसको हम अगर कायम कर सकते हैं अगर पाकिस्तान साथ नहीं चलना चाहता है।
पर कोशिश जो है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना महत्व है, जियोग्राफिक महत्व है, भारत हर समय कोशिश करते रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान जो है के साथ साथ चले। और हमारा भी, हमारे भी ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारा भी इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, तो सभी का मतलब तीनों मुल्क का जो है, तीनों मुल्क के की जो आर्थिक स्थिति है उसमें विस्तार हो सकता है। शाहज़ेब, कराची से आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तरफ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हमको काम करना चाहिए, लेकिन सबसे दुनिया के ज्यादा गरीब अगर इकट्ठा है किसी इलाके में तो वो साउथ एशिया है। अगर सबसे कम कनेक्टेड अगर कोई इलाका है दुनिया में, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और एक पॉजिटिव एजेंडा सामने रखा कि कनेक्टिविटी के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे में पूरे सार्क देशों को नाराज करके भारत विरोध के जरिए नवाज शरीफ तैयार है एक विलेन बनने के लिए। दिल्ली से जो पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से आप देखते हैं रीजन को, तो उसमें मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आपको सारा इस सारे मसले की जिम्मेदारी जो है वो नवाज शरीफ पे या पाकिस्तान पे नजर आती है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटके देखें, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लें, तो आपको ये बिल्कुल साफ नजर आएगा कि भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा देश है। भारत का पाकिस्तान का इस तरह से तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता, और एक बड़ा देश होने के नाते भारत पर ज्यादा जिम्मेदारी पड़ती है। और मैं पहले जो गुजारिश कर रहा था कि पिछले कई महीनों से, बल्कि जब से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए हैं, उससे पहले जब प्रेसिडेंट जरदारी थे, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप में एक बहुत शदीद ख्वाहिश है कि भारत के साथ, पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान। सिविलियन लीडरशिप के हाथ में कमान कहाँ है शाहज़ेब? कमान तो लगता है पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। कभी कादरी साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान आ जाते हैं, कभी जिस तरह की अभी हाफिज सईद को सामने कर दिया गया वो सामने आ जाते हैं। नवाज शरीफ तो खुद कठपुतली नजर आ रहे हैं, कितने परेशान नजर आ रहे हैं वो समिट के अंदर, वो साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, अब कौन कितना परेशान है ये मेरा ख्याल है कि इस पे तो जजमेंट एक डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर आप ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान में फौज एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, फौज जो है वो कभी कभी रुकावटें डालता है, तो फिर तो मोदी सरकार पे और भी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नवाज शरीफ अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो उनका वो हाथ थाम लें, ना ये कि उनको नवाज शरीफ के भाई तो इजाजत दे रहे हैं हाफिज सईद को रैली करने के लिए। कमजोर हो जाती है, हाफिज सईद को रैली करने के लिए नवाज शरीफ के भाई इजाजत दे रहे हैं। यहां तो एक लग रहा है कि फौज के साथ साथ नवाज शरीफ पूरे टैंडम में काम कर रहे हैं एंटी इंडिया एंटी सार्क एजेंडा को लेके। देखिए, आप किसी से दोस्ती करना चाहें वो आपको रिस्पांस ना दें, आपकी जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हैं वो सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाएं कि आप कश्मीरियों से क्यों मिल रहे हैं, हालांकि ये एक सेटल चीजें हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों से मिलता रहा है, पिछली सरकारों ने कभी इस पर एतराज भी नहीं किया, तो ये दिस वॉज अ मेजर ब्लो। उसके बाद नवाज शरीफ हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ना, इंडिया के तो नहीं है, उन्हें रहना यहीं पर है, और जब उन्हें रिस्पांस नहीं मिलेगा पाकिस्तान से भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ दिल्ली और इस वक्त धूलीखेल से भी कनेक्टेड है जहां पर राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी है। धूलीखेल की खूबसूरत वादियों के द्वारिका शंगरीला रिसोर्ट में रिट्रीट सेरेमनी रखी गई है, जहां कोशिश ये की जा रही है कि सारी तलखी को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस माहौल में सकारात्मक बातचीत होगी। हमारे संवाददाता जनक दवे की ये रिपोर्ट देखिए। 18वें सार्क शिखर सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है। धूलीखेल करके ये जो एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर द्वारिका रिसोर्ट में रिट्रीट रखी गई है। खूबसूरत वादियों में ये बसा रिसोर्ट है। यहाँ पर धूलीखेल एक गांव है जो काठमांडू से 45 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर खूबसूरत वादियों के बीच में ये रिसोर्ट आया हुआ है। शायद एक सोच ये भी बनी होगी कि खूबसूरत वादियों में अगर रहते हैं, खुशनुमा माहौल में अगर रहते हैं, तो सोच भी एक अच्छी रहेगी। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान का अड़ियल रवैया रहा और एक अहम संधियां जो हम समझौते होने वाले थे वो नहीं हो पाए, उसको लेकर आज हो सकता है कि सार्क के बाकी के जो देश है जो चाहते थे वो कि तमाम समझौतों पर दस्तखत हो, पर वो पाकिस्तान के चलते नहीं हो पाए। तो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ यहाँ पर होंगे तो हो सकता है कि
उनको इस मामले में सार्क नेताओं के साथ अनौपचारिक रूप से जब मुलाकात होगी उस समय पर उनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का अड़ियल रवैया यूँ क्यों बरकरार है, क्योंकि हर देश जो सार्क का हिस्सा रहा है वो तमाम लोग चाहते हैं कि जो अहम समझौते होने थे, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का मामला हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट का मामला हो या रोड ट्रांसपोर्ट का, ये नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान का ये तर्क रहा कि उन्हें उनके इंटरनल कंसेंसस बनाने बाकी है, उसके चलते वो इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अगर पाकिस्तान इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनता तो इस पूरी जो समझौते की जो प्रक्रिया रही वो पूरी बिगड़ जाएगी, जिसके चलते ये ट्रीटी नहीं हो पाई और इसी के चलते बाकी के जो मुल्क हैं वो भी बताया जा रहा है कि नाराज है, और उसकी नाराजगी आज ये रिट्रीट के वक्त नवाज शरीफ को झेलनी पड़ सकती है। रिट्रीट के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं सुशील कुमार कोइराला, उन्होंने यहाँ पर एक भोज जो लंच होगा उनका यहाँ पर तमाम सार्क नेताओं के लिए रखा है। दोपहर बाद लंच के बाद वो सार्क का जो कंक्लूड सेशन होगा उनके लिए तमाम सार्क नेता वहाँ निकलेंगे, वहाँ फोटो सेशन होगा और क्लोजिंग सेरेमनी होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 3 जो कार्यक्रम हैं यहाँ पर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के लोग रहे उनके साथ एक कार्यक्रम है, और तीसरा जो कार्यक्रम है वो इंडो नेपाल सोसाइटी का जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं, और शाम को प्रधानमंत्री नेपाल के साथ साथ राष्ट्रपति ने उनको भोज के लिए जो बुलाया है, तो तकरीबन 7 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां उन्होंने जो डिनर रखा है वो डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 9:45 को नेपाल के टाइमिंग के मुताबिक भारत के लिए रवाना होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि काफ़ी एक उम्मीद जताई गई थी कि पाकिस्तान का जो रवैया अगर सही रहता तो शायद ये जो समझौते पर एक उम्मीद की आग बनी थी कि अहम समझौते हो पाते और शायद एक बड़ी उपलब्धि होती सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब देखना होगा, क्योंकि अब जो 19वां सार्क सम्मेलन होगा उसमें क्या इस्लामाबाद को इसका यजमान पद मिल सकता है, उसकी चेयरमैनशिप मिल सकती है नहीं, उसको लेकर भी आज फैसला हो सकता है। कैमरामैन निजाम के साथ जनक दवे, धुलीखेल, IBN 7। बात सारी विकास की है, बात है गरीब से गरीब तक विकास को पहुंचाने की, सार्क को जोड़ने की, सार्क जो कि सबसे दुनिया का गरीब इलाका है यहां गरीबी को खत्म करने की, ये बात नवाज शरीफ भी करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त लगता है